आज मैं बताने जा रहा हूं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और इंडिया में कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में जब बात की जाती है तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कंप्यूटर की जनरेशन और कंप्यूटर की हिस्ट्री, उसका इतिहास, दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। लेकिन याद रखना है आपको कि अगर इतिहास के बारे में बात की गई है तो जब कंप्यूटर बिना लाइट के थे, यानी कि स्लेट जो थी एबाकस, तब से लेकर के लाइट वाले कंप्यूटर आ गए, हर्मन ओलिवर, मार्क वन, एबीसी तक आप देखेंगे। लेकिन जब पीढ़ी की बात की जाती है तो आपको ये एबाकस वगैरह नहीं बताना है, आपको एबाकस मार्कर वगैरह नहीं बताना है, आपको सीधे लाइट वाले कंप्यूटर से स्टार्टिंग करनी है और अब तक की पीढ़ी तक बताना है आपको। क्लियर है कि अगर हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है तो जब लाइट नहीं थी तब से लेकर लाइट के आने वाले कंप्यूटर तक बताएंगे, और जनरेशन के बारे में पूछा जाता है तो लाइट वाले कंप्यूटर बने तब से लेकर के अब तक के कंप्यूटर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है, जिस प्रकार से अपन आज जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे, पहले धोती कुर्ता पहनते थे, उससे पहले लोग पत्ते वत्ते लगा के घूमते थे, इंसान की पहले पूछ होती थी, आदि मानव हुआ करते थे, लेकिन अब तो नहीं है क्योंकि पीढ़ी बदल गई। उसी प्रकार से कंप्यूटर आज जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे, कंप्यूटर का शुरुआती दौर ऐसा ना था, ये शुरुआत में बहुत बड़े, भारी और महंगे होते थे। अगर आज से 10 साल पहले चले जाएं और हम बोलें कि भाई किसी आदमी के पास कंप्यूटर है तो हम उसे बहुत पैसे वाला मानते थे, यार वो पैसे वाला इंसान है, उसका कंप्यूटर है, तो बहुत महंगे थे कंप्यूटर। समय के हिसाब से इसकी तकनीकी में बहुत से बदलाव हुए और इन बदलावों से कंप्यूटर की पीढ़ी का जन्म हुआ। हर पीढ़ी के बाद कंप्यूटर का आकार, उसकी कार्यप्रणाली अच्छी हो गई, आकार छोटा हो गया, तब जाकर के आज के समय के पावरफुल कंप्यूटर बन पाए हैं। सन 1942 से पहली पीढ़ी की शुरुआत होती है और यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर की पीढ़ी को कुल 5 भागों में बांटा गया है, किसी किसी किताब में 7 दी है, किसी में 6 दी है, लेकिन आपको 5 याद करनी है, 5 पीढ़ी याद करनी है। पहली पीढ़ी आप याद करेंगे 1942 से 1955। मैं कहूंगा कि आप 1945 से याद करिए, पहली पीढ़ी 1945 मान लीजिए, याद कर लो। एक्चुअल में तो 1942 ही है, पर सीपीसीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा जीवन काल पहली पीढ़ी का है, तो आप 1942 याद करेंगे, फिर आप सेकंड का भी याद करेंगे, थर्ड का भी याद करेंगे, तो काफी बड़ा मसला हो जाएगा। तो आप एक याद कर लो 1945, और प्रत्येक पीढ़ी में 10 साल का अंतर कर दो, तो 1945 से लेकर 10 साल तक, 1955 तक पहली पीढ़ी हो गई, फिर 10 साल जोड़ दो 1965 तक दूसरी पीढ़ी हो गई, फिर 10 साल जोड़ दो 1975 तक तीसरी पीढ़ी हो गई, फिर 10 साल जोड़ दो 1985 तक चौथी पीढ़ी हो गई, और 95 नहीं करना है, उसके बाद अब तक चला आ रहा है वो पांचवी पीढ़ी आपकी। तो इस प्रकार से याद करने में आसानी होगी, तो 1945। अब पेपर में आपको जब ऑप्शन मिलेंगे तो आप 1945 के आसपास की जो डेट है वो आपकी सही होगी। अब पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि ऑप्शन नंबर ए 1942, ऑप्शन नंबर बी 1943, ऑप्शन नंबर थ्री 1945, ऐसे कभी नहीं आएगा, 10 साल का गैप देगा कम से कम। तो पहली पीढ़ी 1942 से 1955 तक रही, और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब जैसी होती है, जो सी बल्ब घर में लगाते हैं अपन, बल्ब
घर में लगाया जाता है, बल्ब जैसी वैक्यूम ट्यूब होती है, और एक बल्ब कमरे में लगाते हैं तो कितनी गर्मी पैदा करता है सोचिए, वैसी गर्मी पैदा ये भी करती है। इन वैक्यूम ट्यूब की वजन से इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, इस वैक्यूम ट्यूब की वजह से कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, क्योंकि एक वैक्यूम ट्यूब, एक बल्ब छोटा सा लगाया जाता है घर के अंदर, वो बल्ब छोटी सी मेमोरी गिरता है, लेकिन इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। अब 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे होंगे तो सोचिए क्या हो रहा होगा, कितना बड़ा कमरा भर जाएगा। तो कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, इसका आकार एक कमरे के बराबर था। कंप्यूटर का आकार बड़ा होने के कारण इन कंप्यूटर को चलने में या चलाने में बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। 18,000 बल्ब जब एक साथ चलेंगे तो कितनी बिजली खाएंगे भैया। ये वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती थी, गर्म भी करेंगे, बल्ब जब जलता है तो कितनी गर्मी पैदा करता है। और इन वैक्यूम ट्यूब की टूट फूट की संभावना बनी रहती थी, क्योंकि ये क्या के होते थे, कांच के होते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, याद रखना इस चीज़ को। पहली पीढ़ी में कोई ओएस नहीं था, विंडो 98, 95, विंडो 8, विंडो 10, ये कुछ नहीं था उस जमाने में। एंड्रॉयड वैंड्रॉयड कोई ओएस नहीं था। इन कंप्यूटर में प्रोग्राम को पंच कार्ड पे सेव करते थे, पंच कार्ड बताया था, हिस्ट्री में पंच कार्ड डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता बहुत कम थी, यानी कि बहुत स्लो काम करते थे। इन कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित थी, मेमोरी बहुत कम थी। इन कंप्यूटर में मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, उस जमाने में कोई इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी भैया, बाहरी लैंग्वेज थी, मशीनी लैंग्वेज थी। यूनिबैक और एनईए कंप्यूटर पहली पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर माने जाते हैं, और इसे 1945 में बनाया था। एनईए कंप्यूटर का वजन 30 टन का, सोचिए 30 टन का कंप्यूटर कितना वजन होगा, जहां बना दिया, जहां रख दिया वहीं रखा रहेगा, वहां से उठाना पॉसिबल नहीं है उसे। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 1,500 रिले, हजारों रजिस्टर और कैपेसिटर लगाए गए थे। रिले क्या है? रिले एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, सर्किट होती है इलेक्ट्रॉनिक, और कैपेसिटर छोटे छोटे सेल जैसे आपने देखे होंगे कई बार टीवी वगैरह में लगे होते हैं, कंडेंसर जैसे, वो तो कंडेंसर जो होते हैं वो कैपेसिटर कहलाते हैं। इसके संचालन में 1.6 किलोवाट बिजली की खपत होती थी। याद कर लीजिए, पेपर में कई बार आता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कितनी बिजली खाते थे, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1.6 किलोवाट, 1,60,000 वोल्ट या 1.6 किलोवाट बिजली खाते थे। यूनिबैक पहला कमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है, और इसे 1951 में बनाया था। जब पहली बार एनईए कंप्यूटर बनाया था और एनईए कंप्यूटर के अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे, तब इस एनईए कंप्यूटर को अमेरिका में फिलेडेल्फिया नामक जगह पर चलाया गया था। जब इसको टेस्टिंग के लिए चालू किया, ऑन किया, तो उस पूरे एरिया की लाइट डाउन हो गई थी। जरा सोचिए, 1.6 किलोवाट कंप्यूटर लाइट खा रहा है, तो पूरे एरिया की लाइट डाउन, डिम हो गई थी। ठीक है, कितनी बिजली खाता होगा। दिखने में कुछ ऐसे थे कंप्यूटर पहली पीढ़ी के, कि पूरा कमरा कंप्यूटर है, ये अंदर आदमी काम कर रहा है, ये भी देखो यहाँ काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तो पूरा का पूरा ये कंप्यूटर है। इस टाइप के कंप्यूटर पहले होते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम याद कर लीजिए, चार कंप्यूटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म पेपर में अक्सर आती है, वो आप याद कर लें। एनईए की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। एडवेक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। एडसेक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। तीन चारों में तीसरा वाला कैलकुलेटर है, और यूनिवेक का पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। मैन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर पहली पीढ़ी के चार हैं, और चारों को याद कर लीजिए, जिसमें से एनईए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है कि एनईए का पूरा नाम बताइए, एनईए में एन का मतलब अर्थ क्या है, आई का अर्थ क्या है, कई बार पूछा गया है। वैक्यूम ट्यूब ऐसा होता है, बल्ब इस तरह का बल्ब होता है वैक्यूम ट्यूब का। और पहली पीढ़ी के कुछ लक्षण भी मैं बता देता हूँ, जो मैंने अभी थ्योरी पढ़ाई है वही उसके लक्षण हैं। पेपर में कई बार आते हैं कि
पहली पीढ़ी की विशेषता निम्न में से कौन सी है, तो ये बता नहीं पाते हैं लोग, जबकि वो पैराग्राफ में से ही उसका आंसर बन जाता है। तो मैंने अलग कर दिए हैं कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, पंचकार्ड का इस्तेमाल किया गया, संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया। पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम लगाया गया था, और मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है, पहले आपने सुना होगा कई बार कि पुराने जमाने में फिल्मों की जो मूवी लगती है मूवी टॉकीज के अंदर, उसकी रील आती थी, वो रील चलती थी पूरी इंडिया के अंदर जगह 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 जगह, तो वो रील जो थी वो रील मैग्नेटिक ड्रम पर स्टोर की गई थी, उसको वीडियो ऑडियो सेव किया गया था, वो ड्रम था मैग्नेटिक ड्रम, उस रील को बोलते हैं। जैसे कि निगेटिव होता ना, फोटो खींचते हैं तो निगेटिव बनती है, पहले अब तो नहीं बनती नहीं फोटो, पहले बनती थी, तो रोल रील होती थी काले रंग की, तो वो चुंबकीय पदार्थ से बनी होती है, मैग्नेटिक ड्रम कहलाती है। बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय होते हैं, बहुत सारे एसी इसमें लगाए गए थे क्योंकि गर्म होते थे, और मशीनी भाषा का इस्तेमाल इसमें किया गया था। इस पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब बनाया गया है उसका आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया है, ये आप याद कर सकते हैं। दूसरी पीढ़ी पे आते हैं, 1955 से 65 लगभग लगभग हो गया, तो 1956 से 1964। इस पीढ़ी में अब वैक्यूम ट्यूब को लोग हटा देंगे, तो इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर को लगाया गया। ट्रांजिस्टर ये ऐसा होता है, आपने कई बार देखा होगा, ये बड़ा ट्रांजिस्टर, छोटा और छोटा, ये और छोटा ट्रांजिस्टर है, मोबाइल के अंदर लगता है, इतना छोटा कि आपकी उंगली के ऊपर आ जाएगा, नाखून के ऊपर आ जाएगा, इतना छोटा, तो छोटा सा ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, और ट्रांजिस्टर किसने बनाया, मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिए, विलियम शॉकली ने इसको बनाया था, और 1947 में बनाया। इसका प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया गया, हम सब जानते हैं। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षाकृत अधिक गति और विश्वसनीयता प्रदान हो गई, यानी कि जो एक वैक्यूम ट्यूब था वो ट्रांजिस्टर था, एक ट्रांजिस्टर कई वैक्यूम ट्यूब के बराबर था। तो अब कई वैक्यूम ट्यूब मत लगाओ, एक ट्रांजिस्टर लगा लो, तो कंप्यूटर छोटा हो जाएगा, कम लाइट खाएगा, और ट्रांजिस्टर जो है उसके आने के बाद कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, तो अपेक्षाकृत छोटा हो गया, ठीक है, ज़्यादा छोटा नहीं बोलेंगे अपन, पहली पीढ़ी की अपेक्षाकृत छोटा हो गया। और ट्रांजिस्टर जो बना होता है वो सेमी कंडक्टर से यानी कि सिलिकॉन से बना होता है। कई बार पेपर में आता है कि ट्रांजिस्टर किससे बना होता है, तो सिलिकॉन से बना होता है, इसे आप याद रख लीजिए। दूसरी पीढ़ी के लक्षण बताएं कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल, सॉरी वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, अपेक्षाकृत छोटे और कम ऊर्जा खाते हैं, अधिक विश्वसनीय हो गए, और प्रथम पीढ़ी के अपेक्षा कम खर्चीले हो गए, कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेज का विकास किया गया, और संग्रहण के लिए प्रिंटर डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, जो ओएस को आप मत कर रहे हैं इसमें यार, ओएस का इसमें इस्तेमाल मान लो नहीं किया गया, क्योंकि इसका जो ओएस था वो CUI था, ऐसा नहीं था, तो आप ये याद कर लीजिए कि इसमें कोबोल फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का विकास किया गया, यहाँ तक याद कर लीजिए, ठीक है। विशेषता हो गई वैक्यूम ट्यूब, जो ट्रांजिस्टर है वो दिखने में ऐसा होता है, और कमरे में देखिए कमरा छोटा है, और छोटे कमरे में छोटे कंप्यूटर लगाए गए हैं। तो पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बहुत बड़ा था, और दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर पहली पीढ़ी से छोटा हो गया है, ज़्यादा छोटा नहीं बोलेंगे अपन। थर्ड जनरेशन में आते हैं, इस पीढ़ी में IC का इस्तेमाल किया गया, इसका पूरा नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट है, और इसके विकास के साथ ही कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का विकास हुआ, और इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर जो ट्रांजिस्टर लगाया गया था दूसरी पीढ़ी में, उसकी जगह पर IC को लगा दिया गया। IC बहुत सारे ट्रांजिस्टर रजिस्टर और कैपेसिटर का संग्रह रूप है, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर मत लगाओ, एक IC लगा दीजिए तो उनका काम अकेली IC काम कर देगी, सस्ती भी हो जाएगा, इतने सारे ट्रांजिस्टर की लागत और एक IC की लागत में बहुत अंतर होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे रजिस्टर ट्रांजिस्टर को कैपेसिटर को एकत्र करके एक सूक्ष्म डिवाइस का निर्माण किया गया, जिसे हम IC कहते हैं, और IC सिलिकॉन नामक पदार्थ से बनी होती है, तो ये भी बहुत कम गर्म होती है, इसमें लोहा एल्यूमिनियम पोटेशियम जर्मेनियम जैसे पदार्थ होते हैं जो इसके कार्य क्षमता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए और तेज़ी से कंप्यूटर काम करता है। IC के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटर एक कमरे से निकलकर, जो कमरे में कंप्यूटर बनाया था वो कमरे से निकलकर एक टेबल पर आ गया,
कितने कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर बन गए कि उसको अपन एक टेबल पे भी लगा सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर का रूप छोटा हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में अब ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा। पहली पीढ़ी में OS नहीं था, दूसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई और तीसरी पीढ़ी में OS का विकास भी हो गया, जिस कारण कंप्यूटर अधिक तेज हो गया और अपने आंतरिक कार्यों को ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से करने लगा। इसके साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज में अब नई नई भाषाओं का विकास भी होने लगा, जैसे कि बेसिक लैंग्वेज। बेसिक का पूरा नाम याद कर लेना, बेसिक ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक लैंग्वेज, जैसा कि नाम से स्पष्ट बेसिक लैंग्वेज है, तो पेपर में आता है कि बिगनर्स को कोडिंग सिखाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बेसिक सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम भी है बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। साथ ही इस पीढ़ी में मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ। मिनी कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जब कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तब बताऊंगा मिनी कंप्यूटर क्या होता है। फिलहाल आप जान लीजिए मिनी माने छोटा। तो यहाँ पर छोटे कंप्यूटर का विकास भी किया गया जो पुराने कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत छोटा था। इस कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनाना सेव करना, इस पीढ़ी में हम कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनाना सेव करना जैसे काम करने लगे। इस पीढ़ी में जो IC बनी थी वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मिडिल स्केल इंटीग्रेशन तक लिखकर आधारित थी। कई बार पेपर में आता है कि तीसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर IC नहीं दिया होता आंसर में, तो SSI और MSI तकनीक लिखा होता है। यह आता है कि SSI तकनीक का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया, तो बताते हैं इसका इस्तेमाल किसी पीढ़ी में किया गया। IC दिखने में कुछ ऐसी होती है और ये कंप्यूटर टेबल पर रखने वाला। IC इतनी बड़ी नहीं होती, ये छोटी होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, ठीक है ना। बड़ा फोटो मालूम तो चलेगा, सोच रहे हैं इतना बड़ा कंप्यूटर तो इतनी बड़ी IC होती है, नहीं, कंप्यूटर के अंदर लगती है, छोटी सी होती है भाई, दिखने में कुछ ऐसी है। तीसरी पीढ़ी की विशेषता के बारे में बात करता हूँ, तो इसमें IC का विकास किया गया और प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा इसमें कंप्यूटर बहुत छोटे और कम वजन के हो गए, अधिक विश्वसनीय हो गए, पोर्टेबल हो गए और हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया और इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास किया गया। ये मैंने विलियम चॉकले के बारे में बताया था दूसरी पीढ़ी में, कि विलियम चॉकले ने ट्रांजिस्टर बनाया था और 1947 में बनाया था। आप उसकी सन याद भले ही मत करना, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा इसके बारे में कि IC को किसने बनाया, तो IC को जैक किल्बी ने बनाया और 1958 में बनाया, तो इसकी ये आप डेट अवश्य याद करें। चौथी पीढ़ी पे आते हैं, फोर्थ जनरेशन 1975 से 85 तक रही और इसमें अब IC की जगह पर एक छोटी सी चिप लगाई जाएगी जिसका नाम है माइक्रोचिप, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो हुआ वो 1970 में हुआ था और माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के साथ ही चौथी पीढ़ी का विकास हुआ और कंप्यूटर में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हुआ, जो आईसी का स्थान इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर ने ले लिया, यानी कि इस पीढ़ी में IC की जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक के नाम से जानते हैं या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। आईसी जो थी वो स्मॉल और मिडिल तक सीमित थी, लेकिन यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर लार्ज और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। लार्ज का मतलब ये नहीं है कि बड़ा, यहाँ पे लार्ज मतलब क्या, बड़े चीज को छोटी चीज पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पेपर में आ गया पहली पीढ़ी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, वहां लिखा है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लगा के आ गए लार्ज लगा दिया, भैया पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बड़े थे तो लार्ज इसका आंसर होगा, नहीं भैया लार्ज वहां आंसर नहीं होगा, कंप्यूटर बड़े थे लेकिन लार्ज स्केल का मतलब हो गया कि बड़ी चीजों को छोटी चीज पे इस्तेमाल करना। माइक्रो प्रोसेसर में एक छोटी सी चिप लगी होती है जो लाखों ट्रांजिस्टर के बराबर है, लाखों ट्रांजिस्टर को निर्मित करके एक चिप को बनाया जाता है, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर नाम देते हैं, माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से जो कंप्यूटर बनते हैं उन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। आप जो मोबाइल चला रहे हैं, जो मोबाइल आपके हाथ में जो है, आपके पास जो लैपटॉप है,
उस लैपटॉप में माइक्रोचिप लगी है, आपके मोबाइल में माइक्रोचिप लगी है, इसलिए मोबाइल आपका माइक्रो कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो बनाया था, माइक्रो कंप्यूटर माइक्रोचिप नहीं, ध्यान रखना, माइक्रो कंप्यूटर जो बनाया था वो MITS नामक कंपनी ने बनाया था, और IC की खोज से आगे चल के माइक्रो प्रोसेसर का विकास का रास्ता साफ हुआ। IC के बाद ही बनाया गया है ये, इसलिए IC के बाद बनाया, IC के बनने के बाद ही बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले CPU अलग अलग डिवाइस को जोड़ के बनाया जाता था, और अब पूरा CPU एक चिप पे होता है, उस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। आज दुनिया में दो बड़ी कंपनी है, एक इंटेल और AMD जो कि माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं। इंटेल का मतलब हो गया एक बिल्कुल हीरो होंडा कंपनी, बिल्कुल ठोका चीज़, और AMD मतलब हो गया प्लेटिना, यानी कि AMD कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में इंटेल का प्रोसेसर है मतलब वो फास्ट है, अच्छा काम करता है, थोड़ा महंगा भी आएगा, और AMD प्रोसेसर है तो काम सारे होंगे लेकिन थोड़ा सा स्लो काम करेगा वो, ठीक है, सस्ता भी तो आता भैया। तो स्पीडी में अब कोर मेमोरी का नाम भी आ गया है, कोर मेमोरी का स्थान आ गया है। कोर मेमोरी आप देख सकते हैं, इंटेल कोर i5, कोर i7 क्यों बोलते हैं, मोबाइल में आता है क्वाड कोर, ऑक्टा कोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर कोर मेमोरी है। कोर मेमोरी बहुत छोटी होती है लेकिन कंप्यूटर की बहुत तेज मेमोरी मानी जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर कोर मेमोरी का स्थान ले लिया गया है, और जो आकार में बहुत छोटी होती है लेकिन गति बहुत तेज होती है। इस कंप्यूटर में अब डेटाबेस का काम भी सरलता से कर सकते हैं, चौथी पीढ़ी में हम डेटाबेस का काम कर पाएंगे, चौथी पीढ़ी में डेटाबेस का काम कर पाएंगे, और माइक्रोचिप का इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर कुछ ऐसा होता है दिखने में, ये इतना बड़ा नहीं है कि कंप्यूटर के बराबर हो, छोटा होता है जो कि आपके हाथ पर हथेली पे आ जाएगा, और ये कंप्यूटर के CPU में यहाँ पर अंदर एक लगा होता है, छोटा सा मदरबोर्ड में फिट रहता है। तो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप कुछ ऐसी होती है जो इस कंप्यूटर में लगाई जाती है। इस कंप्यूटर को हम कहते हैं डेस्कटॉप PC, एक्चुअल में आज इसका नाम डेस्कटॉप PC है, जब ये माइक्रो प्रोसेसर बना था तब इसको लोग माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर ही कहते थे, माइक्रो डेस्कटॉप PC नहीं कहते थे, माइक्रो कंप्यूटर उस समय से कहते थे। अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था जिसे MITS कंपनी ने बनाया था, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। MITS का पूरा नाम माइक्रो इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम है, और इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स ने पहली बार, जब वो क्या थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में छात्र थे, तो उन्होंने पहली बार बेसिक लैंग्वेज को इंस्टॉल किया था, और इस प्रयोग के बाद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खोली जो कि विंडो बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ना, सॉफ्टवेयर बनाती है, और सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इस कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटर को स्वामी कहते हैं, ध्यान रखना स्वामी फादर नहीं, ठीक है, दुनिया भर के कंप्यूटर का ऑनर ऑफ कंप्यूटर बिल गेट्स है, ना कि फादर ऑफ कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के आने के बाद कंप्यूटर युग में नई क्रांति आई, और इन कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, और ये मेमोरी कंप्यूटर की अधिक, बहुत ज़्यादा मेमोरी बढ़ गई, ठीक है, मेमोरी बड़ी हो गई, आकार छोटा हो गया, और ये कंप्यूटर का मेंटेनेंस रखरखाव बहुत सस्ता हो गया, कम कीमत के हो गए, कोई भी इन्हें खरीदने लग गया। तो विशेषता क्या है कि इसके अंदर VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया, आकार में अद्भुत कमी, साधारण आदमी भी खरीद सकता है, और अधिक प्रभावशाली और विश्वसनीय रिजल्ट हो गए, अधिक मेमोरी हो गई, और नेटवर्क का विकास किया गया, ध्यान रखना नेटवर्क का ना कि इंटरनेट का। AME हब जूनियर ने माइक्रो प्रोसेसर को बनाया है, जो आप याद करो तो कर लेना वरना कोई बात नहीं। पांचवी पीढ़ी पे आते हैं, चार पीढ़ी हो गई, पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया। पांचवी पीढ़ी में क्या लगाया गया, अभी पांचवी पीढ़ी अब तक चल रही है, पांचवी पीढ़ी अब तक चल रही है। तो पांचवी पीढ़ी क्या है, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की, पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई, और 1985 से लेकर अब तक के जो कंप्यूटर हैं, जो अब तक के और भविष्य के कंप्यूटर इस पीढ़ी में माने जाते हैं, पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी वर्तमान के, पांचवी पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली कंप्यूटर और भविष्य में आने वाले कंप्यूटर को भी शामिल किया गया है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा विकसित हैं, कृत्रिम बुद्धि वाले हैं, यानी कि इसमें AI का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और इस जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर खुद की क्षमता
विकसित किया जा रही है, यानी कि ये कंप्यूटर खुद को डेवलप कर पाएंगे, अपने आप को सही कर पाएंगे। आजकल आप देखते हैं मोबाइल आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, कोई भी ऐप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं, खुद को डेवलप कर लेते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। तो ऐसे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जो खुद को डेवलप करेंगे, खुद को विकसित कर लेंगे, ठीक है, यानी कि AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कंप्यूटर सभी प्रकार के क्षेत्र में काम कर सकता है, जो काम मानव कर सकता है वो सारे काम कंप्यूटर कर सकता है। आज के समय में कंप्यूटर को सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट के माध्यम से जोड़ रहे हैं। आजकल छोटी से छोटी बीमारी लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी की जांच कंप्यूटर से हो रही है, पहले मानव करता था, अब कंप्यूटर कर रहा है। आज कंप्यूटर का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। आज कंप्यूटर टेबल से उठकर इंसान की हथेली में, उसकी जेब में आ गया है, और कंप्यूटर के आकारों के आधार पर इसके नाम भी रखे गए हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। आपके पास में मोबाइल है तो मोबाइल को आप क्या लैपटॉप बोलते हो, मोबाइल को कंप्यूटर बोलते हो, नहीं बोलते, मोबाइल बोलते हो, और है तो कंप्यूटर ना, लैपटॉप है तो कंप्यूटर। लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, ये अलग अलग नाम भी इनको दिए जाते हैं। आज कंप्यूटर युग में कंप्यूटर विज्ञान की कई शाखाएं हैं जो मनुष्य की तरह व्यवहार करने वाले कंप्यूटर बना रही हैं, जिनको हम रोबोट कहते हैं। आप रोबोट आपने देखे होंगे TV में, फिल्मों में और न्यूज वगैरह में देखा होगा, रोबोट बनते हैं। रोबोट जो कि इंसान के जैसे होते हैं और इंसान के जैसे काम भी करते हैं। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का निर्माण भी इसमें किया जा रहा है, यानी कि इसके अंदर 3D, 4D, 5D जो आप देखते हैं फिल्मों में, 4K, वो सब इस पीढ़ी में बनाया जा रहा है। ऐसे ऐसे गेम बनाए जा रहे हैं जो लगते हैं वो रियल हैं, ठीक है, जैसे PUBG। तो ग्राफिक्स का इस्तेमाल, साउंड का इस्तेमाल, एनिमेशन का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, और इन सबको हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि 5वीं पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है, 3री पीढ़ी में स्मॉल और लार्ज, स्मॉल और मिडिल, 4थी पीढ़ी में लार्ज और वेरी लार्ज, और 5वीं में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि लैपटॉप, डेस्कटॉप सब आपके 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, और यहाँ मानव की बुद्धि और कंप्यूटर की बुद्धि बराबर काम कर पाएगी, यानी कि कंप्यूटर का जो जो काम मानव कर सकता है वो काम कंप्यूटर भी कर पाएगा। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से लैप कंप्यूटर की जगह मोबाइल ने ले ली है, उसी प्रकार से मानव की जगह इंसान भी भविष्य, सॉरी, मानव की जगह कंप्यूटर भी भविष्य में ले लेगा। ओके, ये 5 पीढ़ी खत्म हो गई आपकी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कवर कराया। इसके बाद मैं यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ कि भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। एक्चुअली में एक बार एक लड़के ने मुझसे बोला कि सर भारत का पहला कंप्यूटर HEC 2M है, तो मैंने उसे बोला यार ये तो नहीं है। तब उसकी बात को प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है कि HEC 2M है क्या, और इंडिया का कंप्यूटर तो है, लेकिन इंडिया का पहला कंप्यूटर तो है, लेकिन इंडिया में बनाया गया पहला कंप्यूटर नहीं है। तो बता रहा हूँ कैसे कि भारत में कंप्यूटर की शुरुआत 1952 में हुई। इस समय भारत की एक संस्था है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, इसको ISI बोलते हैं। तो यहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई है 1952 में। ISI में एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया था 1952 में, स्थापित किया है, बनाया नहीं है, जो भारत का प्रथम कंप्यूटर था। भारत का ये कंप्यूटर 10x10 की मैट्रिक्स को हल कर सकता था। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अंदर भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया, जिसका प्रयोग अवकलन विश्लेषण के लिए किया जाता था। दो कंप्यूटर लगा दिए अपन ने 1952 में, दो कंप्यूटर लगा दिए ISI में और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अंदर, लेकिन दोनों ही कंप्यूटर एनालॉग हैं। लेकिन इन सब के बाद भी भारत में कंप्यूटर की राष्ट्रीय शुरुआत नहीं हुई। पर कब हुई, जब सन 1956 में ISI कलकत्ता में भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इंडिया के अंदर HEC 2M स्थापित किया गया, भैया लाया गया है इंडिया के अंदर। ये कंप्यूटर केवल भारत का प्रथम कंप्यूटर होने के नाते फेमस नहीं था, बल्कि इसलिए था कि क्योंकि इसकी स्थापना के साथ ही भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया था जिसने कंप्यूटर तकनीक को अपना लिया था। वास्तव में HEC 2M का निर्माण भारत में नहीं हुआ था, बल्कि इसका निर्माण इंग्लैंड में हुआ था, जहां से इसे आयात करके इंडिया में लाया गया था। तो इंडिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M तो है, लेकिन उसे लाया गया है इंडिया में बनाया गया नहीं है। इसका विकास
एंड्रयू डोनाल्ड वुड द्वारा किया गया था, जो उस समय लंदन के बैकवर्ड कॉलेज में प्रोफेसर थे। ये सभी कंप्यूटर भारत में विकसित नहीं हुए, बल्कि इन्हें इंडिया में कहीं ना कहीं देश से लाया गया है दोस्तों, ठीक है, भारत में विकसित किया गया है। अब भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कौन सा है, वो ये है ISI JU। इस कंप्यूटर का विकास 1966 में ISI ने और जादवपुर विश्वविद्यालय ने दोनों ने मिलकर किया था, इसलिए इसका नाम ISI JU रख दिया गया। ISI मतलब जो संस्थान है, और JU से मतलब हो गया जादवपुर यूनिवर्सिटी। HEC 2M और यूरल दोनों कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब वाले थे, जबकि ISI JU कैसा था, ट्रांजिस्टर वाला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का विकास भारतीय कंप्यूटर तकनीक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि ये कंप्यूटर वास्तविक कंप्यूटर आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता था, जो ISI बनाया था वो ज़्यादा कुछ कंप्यूटर में खास काम नहीं कर पाता था, जिस कारण इससे कोई विशेष काम कर भी नहीं पाते थे, लेकिन भारत का पहला कंप्यूटर यही है। भारत में कंप्यूटर विकसित किया, कंप्यूटर विकास में सबसे बड़ा चरण मोड़ जब आया, कब आया, 90 के दशक में आया, जब पुणे में स्थित प्रगत संगणक विकास केंद्र, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत बड़ी संस्था है इंडिया की, सबसे बड़ी संस्था जो सुपर कंप्यूटर बनाती है, उसने प्रगत संगणक विकास केंद्र ने भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि हम बना सकते हैं, कंप्यूटर हमारे पास है। तो विश्व का, इंडिया का सबसे पहला जो दमदार कंप्यूटर था वो यही था, परम 8000, जो कि पुणे में स्थित संस्थान प्रगत संगणक विकास केंद्र ने बनाया था। परम का अर्थ होता है पैरेलल मशीन, जो आज सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है, इसी के नाम पर नाम रखा गया परम, पूरा नाम पैरेलल मशीन, ठीक है। इसे बायोमेट्रिक और मौसम विज्ञान क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। 1980 के दशक तक भारत के पास अपना सुपर कंप्यूटर नहीं था, विदेशों में सुपर कंप्यूटर था, इंडिया में नहीं था। भारत तकनीकी युग की शुरुआत कर रहा था, उस समय नया नया था। भारत अमेरिका से सुपर कंप्यूटर लेना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, हो सकता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया उसकी बराबरी करे, लेकिन भारत में सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट पुणे, संगणक प्रगत विकास केंद्र सेंट्रल डेवलपमेंट पुणे, इसके द्वारा परम 8000 कंप्यूटर बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। इसके बाद भारत ने सुपर कंप्यूटर परम 8000 तीन देशों में, जर्मनी में, UK में और रूस में बांटा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखी पीडिया वाले पे अभी लिखी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद 1998 में सीडेक द्वारा एक सुपर कंप्यूटर और बनाया गया, इसका नाम था परम 10000, और एक और कंप्यूटर बना दिया इंडिया ने। इंडिया ने परम 8000 बनाया, तो लो परम 10000 ये बना दिया। इसकी क्षमता 1 खरब कोरोना प्रति सेकंड थी। आज भारत का विश्व में सुपर कंप्यूटर में नाम है, दुनिया के बेहतरीन सुपर कंप्यूटर की जब लिस्ट बनाई जाती है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर की लिस्ट बनाई जाती है, तब टॉप 10 लिस्ट में इंडिया का नाम 5वें नंबर पर या 4थे नंबर पर आता है। दिखने में ऐसे होते हैं सुपर कंप्यूटर, इंडिया के टॉप 10 या टॉप मोस्ट पावर सुपर कंप्यूटर के नाम लिखे हुए हैं, याद कर लीजिए, आदित्य, अनुपम, युवा, परम, सागा, एका, वर्गो, विक्रम, क्रे, भास्कर, पेस और फ्लोसोल्वर। कैगर पेपर में आता है फ्लोसोल्वर क्या है, सुपर कंप्यूटर है। एका क्या है, सुपर कंप्यूटर, कोई वायरस नहीं है, तो नाम याद कर लीजिए। इंडिया के सुपर कंप्यूटर देखिए, वर्ल्ड के, चीन में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर सबसे अच्छा चीन के पास, फिर US के पास, जर्मनी के पास, न्यू मैक्सिको और भारत के पास। एका भारत के पास है सबसे अच्छा कंप्यूटर इंडिया का, टाटा सन्स कंपनी के। अब थोड़ा सा इतिहास दिया गया है, तो अगर हम सुपर कंप्यूटर के इतिहास की बात करें तो इसमें किसी एक ने योगदान नहीं दिया है, कई सारे लोगों ने इसमें अपना कीमती समय दिया है, लेकिन फिर भी सुपर कंप्यूटर की बात करें तो CMR करे का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के 40 साल इसमें दिए। इन्होंने 1920 में IBM के अंदर एक मशीन पर काम करना शुरू किया, इसका नाम था CDC 6600, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, और उसको बनाकर 1960 में पूरा किया बनाना काम, 1920 में काम शुरू किया 1920, और 60 में पूरा किया, 40 साल लगे रहे। फिर 4 साल बाद 1964 में रिलीज किया इसको,
4 साल टेस्टिंग की उसकी, तब रिलीज किया। हम कहते रिलीज करते हैं भैया, कितना चेक करते अपने आप को। 44 साल दे दिए इन्होंने अपने। अब किसी इंसान ने 44 साल इसके अंदर दिए हैं, उस इंसान को, उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहिए। उस इंसान का नाम सुपर कंप्यूटर में सबसे ऊपर आता है, और सुपर कंप्यूटर के पिता सीएम और क्रे को कहा जाता है, इन्हीं को कहते हैं सीएम और क्रे को, कंप्यूटर के पिता, सुपर कंप्यूटर के पिता कहते हैं। अब इन्होंने कंप्यूटर बनाया, 40 साल लगे रहे, सीडीसी 6600, वो भी कैसा था, सामान्य प्रकार का सुपर कंप्यूटर था, कोई विशेष नहीं था। 40 साल लगाने के बाद फिर उस कंप्यूटर में लोगों ने अपना दिमाग लगाया और ILIAC 4 बनाया, जो कि शक्तिशाली कंप्यूटर था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर और माना जाता है, था वो ILIAC, जो आजकल चलते हैं साथ में, जो ILIAC 4 है, ठीक है। लेकिन सीएम और करियर के सम्मान के लिए हम उनके कंप्यूटर को पहला सुपर कंप्यूटर मानते हैं, सीएम और करियर के नाम के सम्मान के लिए। इसे 1975 में बनाया, डेनियल स्टॉनलिक ने बनाया था। अधिकांश सुपर कंप्यूटर के अंदर लिनक्स ओएस होता है। पेपर में कई बार आता है कि सुपर कंप्यूटर में कौन सा ओएस होता है, तो अधिकांश के अंदर लिनक्स होता है, और इसके अलावा उसमें सूस, SCS, बुलक्स और टेंट ओएस भी होते हैं, क्रे भी होता है, यूनिक्स भी होता है। तो ये लिनक्स के सुपर कंप्यूटर के बारे में भी मैंने छोटी सी हिस्ट्री बता दी। सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है, सीएम और क्रे, और इसके अंदर कौन कौन से ओएस इस्तेमाल किए जाते हैं, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और कौन कौन से सुपर कंप्यूटर इंडिया में अच्छे हैं और वर्ल्ड में कौन से हैं, सबके नाम हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। किसी को कोई डाउट हो तो मैं कल आपसे फिर वीडियो में, क्लास में आऊँगा, पूछूंगा, तो क्वेश्चन में कल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे और इसके आगे फिर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी PDF फाइल आपको ऐप में मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल को, और बाद में अगर लेक्चर देखना है तो आप बाद में भी इसका लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो कल मिलेंगे और पढ़िएगा जरूर, ठीक है। गुड लक एंड गुड बाय।